हम हर एक लैपटॉप डेस्कटॉप पे देखते हैं कि माउस का जो तीर नज़र आता है जिसको पॉइंटर कहते हैं, हर लैब में एक ही रहता है, तो सारे के जहन में तो ये तीर नज़र आता है। अगर तीर का ही स्टाइल यानी पॉइंटर का ही स्टाइल बदल दिया जाए तो बहुत यूनिक लगेगा। जिस तरह से कोई वाईफाई ऑन करते हैं तो वाईफाई जब बफरिंग लेता है यानी सर्कल घूमता है, ठीक इसी प्रकार हम माउस के पॉइंटर को सर्कल के रूप में किस तरह से बदलते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कर्सर के स्टाइल को चेंज करना। तो हमने खाली जगह पे माउस का राइट वाला बटन दबाया, फिर ये ग्राफ खुली, सबसे नीचे हमें पर्सनलाइज नज़र आ रहा है, हम पर्सनलाइज पे जैसे ही क्लिक करते हैं फिर ये ग्राफ खुली, हमने लेफ्ट साइड देखा माउस से रिलेटेड है, हमने चेंज माउस पॉइंटर पे जैसे ही क्लिक किया फिर उसी तरह ग्राफ खुली। पॉइंटर हिंदी जबान कर्सर चेंज करने की स्टाइल परिवर्तन, पॉइंटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे बाय द डिफ़ॉल्ट ये ओपन रहता है, अगर ये पॉइंटर ऑप्शन है तो पॉइंटर पे क्लिक करना होगा। नीचे ब्राउज नज़र आ रहा है, ब्राउज का मतलब होता है कि इसके अंदर और भी ऑप्शन है, हमने जैसे ही ब्राउज पे क्लिक किया हमें बहुत सारी कर्सर की स्टाइलें नज़र आई। पॉपुलर स्टाइल यूनिक स्टाइल को हमने सेलेक्ट किया जो बफरिंग स्टाइल में है, हमने इसे ओपन किया, हमने अप्लाई किया, हमने ओके बटन प्रेस कर दी, तो आपने देखा किस तरह से ये मूव हो रही है। ये हमसे माउस का पॉइंटर क्लिक होने की वजह से हमारा वॉलपेपर बाय द डिफ़ॉल्ट चेंज हो गई। फिर से हमने इसे क्लिक कर दी और आप देखिए थोड़ा सा माउस की वजह से डिस्टर्बेंस हमें नज़र आना पड़ा। अभी आइए माउस का पॉइंटर चेंज होकर बाय द डिफ़ॉल्ट फिर एरो की शक्ल में आ गया। हम फिर इजी स्तर से दिखाना चाहते हैं, खाली जगह पे राइट वाला बटन हमने दबाया, पर्सनलाइज में गए, हमारा ग्राफ खुला, हम चेंज माउस पॉइंटर पे गए, ऑप्शन आई ब्राउज की, ब्राउज में गए, हमने ये एक्शन कर लिया, ओपन बटन दबाई, ओके किया, तो आप अटेंडम देखिए ये आपका माउस पॉइंटर चेंज हो गई। अगर इसके अंदर आपने देखा फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका यूनिक विधि हम आपको बताएंगे।